गाइस तो कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली हमारे नजर में आप सभी लोगों को सबसे रेयर बंडल फाइनली दे दिया है भाई साहब। लोकिस गेमर के दोनों बंडल फाइनली आप सभी लोगों को हैकर स्टोर के अंदर देखने को मिल रहे हैं भाई साहब। आप सभी लोग इजीली तरीके से यहां पे कितने कम डायमंड में आप सभी लोगों को मैं ट्रिक बताने वाला हूं। एकदम कम डायमंड में आप सभी लोग इजीली तरीके से लोकिस गेमर का ये बंडल ले सकते हो। ट्रिक बताने से पहले मेरी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो पहले मैं आपका ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, फटाफट मैं आप सभी लोगों को ट्रिक बता दूं। आप सभी को सिंपल सा करना क्या है, आप सभी को जो बंडल चाहिए आप सभी को वो बंडल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे नेम चेंज कार्ड लेना है और उसके बाद आप सभी लोगों को अपना कैरेक्टर चेंज करना है। ठीक है, अपना कैरेक्टर में आप सभी लोगों को ज्यादा बंदे को पता है मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। तो फाइनली आप सभी लोगों को यहाँ पे एडम लेना है और पहले उस एडम को आपको बहुत ही ज्यादा काला कर देना है और सिंपल सा उसके बाद आप सभी लोगों को जाकर सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग के अंदर आप सब क्लियर कैच यहाँ पे आप सभी लोगों को जो ऑप्शन दिया जा रहा है तो ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। दो तीन बार आप सभी को क्लियर कैच करना है। उसके बाद आप सभी लोगों हाथ में जो गन है उसको हटाना जाना है। ठीक है, मतलब आप सभी को लॉबी में से उसको हटाना है। तो सिंपल सा अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर और वेपन के अंदर चलेगा और पहले हमने सोइंडो भी हटा दिया। तो सिंपल सा आप सभी लोगों को भी वैसा ही करना है और उसके बाद आपका अकाउंट आप सभी लोगों को लॉग आउट कर देना है। ठीक है, फाइनली मेरा अकाउंट अब लॉग आउट हो चुका है। तो चलो आप सभी लोगों को जो भी अकाउंट आपका गूगल अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, गेस्ट अकाउंट हो, फाइनली आप सभी को फिर से लॉग इन करना है क्योंकि आप अगर लॉग आउट करके लॉग इन करोगे तो आपका जितना भी किए गए फाइनली आप सभी लोगों को जितना भी डेटा है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप सभी लोगों को गिरे ना फ्री में बिल्कुल आप सभी लोगों को कुछ भी दे देगी। ठीक है, मतलब क्लियर कैच करने से आपका ये चांसेस मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फाइनली चलो अभी हम लोग वापस से क्लियर कैच आप सभी लोगों को सिंपल से करते जाना यहाँ पे आप सभी को 5 से 6 बार क्लियर कैच करना है। ठीक है, उसके बाद आप सभी लोगों को सिंपल सा स्पिन मारने चले जाना है। ठीक है, कहाँ पे भी क्लिक नहीं करना है कुछ भी, मतलब डायमंड वेपन वाउचर पे स्पिन मारनी नहीं है, सिंपल सा 9 डायमंड की आप सभी लोगों को यहाँ पे स्पिन मारनी है। फाइनली मुझे अभी फिलहाल के वाउचर मिल गई है तो भाई लोग आपको क्या मिलते हैं 9 डायमंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और भाई लोग सिंपल सा 19 डायमंड की भी आपको स्पिन मार देनी है। तो भाई लोग फाइनली मेरे यहाँ पे आप सभी लोग देख सो नेम चेंज कार्ड ओपन हो चुका है। तो अब आप सभी लोग को एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइनली अब मेरा तीसरा स्पिन मैं अभी मार रहा हूँ और देख रहे हो भाई लोग फाइनली आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो फाइनली मुझे लोकेश गेमर का बंडल कितने कम डायमंड में मिला। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो ना भाई लोग 100 डायमंड के अंदर अंदर आप सभी लोग इजीली तरीके से ये लोकेश गेमर का बंडल ले सकते हो भाई लोग। अगर तो भाई इसी न्यू ट्रिक के लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है मेरे भाई लोग, अगर आपके पास 100 डायमंड नहीं है भाई, आपके पास पैसा नहीं है तो भाई लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई बैठा है। तो भाई लोग आप सब लोग को सिंपल सा अच्छी सी प्यारी सी कमेंट और अपना गेमिंग यूआईडी मुझे याद से दे देना। ठीक है, अगर जिसका भी कमेंट अच्छा लगा तो मैं उसको 100 डायमंड टॉप अप करके ये फाइनली आप सभी लोगों को लोकेश गेमर का बंडल उसके अकाउंट में निकाल के दे दूंगा। भाई लोग आई होप कि आपको वीडियो में मजा है, तो मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई लोग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।